हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का सेब। कॉन्टिनेंटल चैप्टर 13 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, स्पेगेटी कार्बोनारा सॉस। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से स्पेगेटी कार्बोनारा सॉस कैसे बना सकते हैं अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में। असली में कार्बोनारा बनता है पोर्क से, पोर्क के जबड़े से बनता है, लेकिन जो हमारे रेस्टोरेंट की मेनू में है वो है मलाई टिक्का कार्बोनारा। तो हम जो कार्बोनारा सॉस बनाते हैं वो मलाई टिक्के से बनाते हैं, पोर्क से नहीं बनाते, लेकिन असली में उसी से बनता है। अंडे, ये है इसकी असली चीज, परमेशन चीज, इसके बिना नहीं बन सकता। ये होना बहुत ही जरूरी है अगर आपने असली बनाना है तो। स्पेगेटी पास्ता लिया है मैंने, नमक और ब्लैक पेपर, सिर्फ 6 चीजें चाहिए। पास्ता हम उबालेंगे, लेकिन मैं आधा पास्ता उबालूंगा। आपने सबसे पहले पास्ता डाल देना है उबलते हुए पानी में, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दें, इस तरीके से डाल दें। अब धीरे धीरे पानी गर्म होएगा और ये भी पानी के अंदर बैठ जाएगा। मैं एक पोर्शन बना रहा हूँ, एक पोर्शन में हम 3 पीस मलाई टिक्का डालते हैं। अब इसको काट लेंगे, इस तरीके से आपने काट लेना है, छोटा छोटा, ये देखिए ऐसे काट लें। असली तो पोर्क से बनता है, लेकिन जो आप चिकन मलाई टिक्के का बनाएंगे ना, तो भी आपको असली से कम नहीं लगेगा, बहुत ही मजा आएगा, मतलब बता नहीं सकता। चिकन काटने के बाद आपने सबसे पहले एक बॉल में अंडा तोड़ लेना है, एक अंडा आपने पूरा डालना है और 2 अंडों का आपने एग योग डालना है, ओनली एग योग, एग वाइट ना डालें। उसके बाद आपने इसमें कर लेना है ग्रेट चीज, इस तरीके से देखिए। इसमें जो असली मजा है और जो सॉस बनेगा वो चीज की मदद से बनेगा। ऐसे चीज ग्रेट करने के बाद आपने इसको ऐसे फेंट लेना है, ये देखिए अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लें। अब हम चलते हैं गैस के ऊपर। आपने एक ऐसा पैन लेना है और इसमें डालना है सबसे पहले ऑलिव ऑयल। ऑयल डालें आप, बटर ना डालें, गार्लिक आपकी चॉइस है, अगर आपने डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो ना डालें, लेकिन मैं डालूंगा फिर आपको बताऊंगा उसके साथ आपने क्या करना है। ये देखिए गार्लिक आपने साबुत डालना है अगर डालना है तो। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है चिकन और इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। रोस्ट तो ये है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से रोस्ट करें तेल में, इस तरीके से आराम से। अब मैं आपको पास्ता दिखाता हूँ, ये देखिए पास्ता भी हमारा साथ में बॉयल हो रहा है। मैंने पास्ता इसलिए बॉयल किया ताकि आपको पता चले कैसे बनाना है, नहीं तो मैं पहले पास्ता कैसे बॉयल करना है इसका वीडियो बना चुका हूँ। अब ये एकदम तैयार होने वाला है, ये देखिए चिकन अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब आपने गार्लिक निकाल लेना है, इसके अंदर रखना नहीं है, इस तरीके से आप निकाल लें, क्योंकि असली कार्बोनारा में गार्लिक या कुछ भी चॉप करके ऐसे डालते नहीं है। अब ये हो गया रोस्ट, अब आपने क्या करना है, पास्ता इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए ऐसे आपने पास्ता निकालना है और इसमें डाल दें, और गैस आपने रखनी है स्लो, थोड़ा सा पानी। जब आप ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चिकन रोस्ट किया है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आपने पहले इसका टेम्परेचर स्लो कर लेना है। कार्बोनारा सॉस आप जब भी बनाते हैं तो आपने टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, और गैस एकदम स्लो होना चाहिए, क्योंकि पास्ता भी हमारा गर्म है और चिकन तो गर्म है ही है। अब ये देखिए इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल लें, थोड़ा सा नमक, और ये जो हमने फेंट के रखा था। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है आपने, हल्का सा, ये देखिए इससे ज्यादा मिक्स ना करें। अब ये देखिए कार्बोनारा सॉस बनके तैयार है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है।
और इसमें क्रीम या व्हाइट सॉस कुछ भी डाल के इसकी खूबसूरती कम ना कर दें। अब मैं ये डालूंगा पास्ता प्लेट के अंदर। ये देखिए इस तरीके से आपने पास्ता प्लेट के अंदर डाल देना है। बहुत ही बेहतरीन पास्ता हुआ है, आपको जरूर ये मजा आएगा खा के और बना के। और इसके ऊपर गार्निश जो हमने करनी है, थोड़ा सा चीज, ये देखिए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कुछ मिलेगा आपको खाने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन शानदार रेसिपी बनके तैयार है। आज मैं आपके लिए लेके आया स्पेगेटी पास्ता विद कार्बोनारा सॉस, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आप आसानी से ओरिजिनल कार्बोनारा सॉस कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए